वृक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े, एक पत्र छा भी मांग मत मांग मत मांग मत। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। इस कविता का नाम आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा, ऐसी स्कीम को जो इस सेना, इस देश की सेना जो हमारी देश की सुरक्षा करती है, जिनके सारे तमाम जो यहाँ पे भी आप खड़े हैं, आप सरहद पर जाकर सुरक्षा करते हैं, ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। युवाओं को ही इसके अंदर आने का मौका मिलेगा। आज जब हम यहाँ पे आ रहे थे, किसी ने एक दुखद घटना बताई कि हरियाणा में एक किसी प्रकार के युवा जो कि 21 वर्ष से ज़्यादा जिसकी उम्र हो गई थी, उसने अभी आत्महत्या कर ली। पूरे देश भर के अंदर युवाओं के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे वो तैयारी करते हुए आए और हमारे देश के अंदर हमारे सरकार ने उनके साथ में एक भद्दा मजाक किया है। 2 वर्ष से सेना में भर्ती बंद है और उसके बाद में ये अग्निपथ ठेके के ऊपर सैनिकों को लेने का भद्दा मजाक जो किया गया है, इससे ज़्यादा शर्मदार चीज़ नहीं हो सकती। सैनिकों के लिए 4 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं, जैसे अभी चिदंबरम साहब ने बताया। सबसे पहले हमारे सैनिक प्रशिक्षित होने चाहिए, फिर संतुष्ट और खुश होने चाहिए, तीसरा प्रेरित होने चाहिए, और चौथा सुरक्षित भविष्य उनका होना चाहिए। ये हमारे सैनिकों के अंदर होना चाहिए। लेकिन क्या वो प्रशिक्षित होंगे सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग के साथ में? क्या वो संतुष्ट होंगे केवल 30,000 रुपये शुरू की तनख्वाह मिल रही है और उसके बाद में मात्र 30,000 से 40,000 4 साल के बाद में उनको तनख्वाह होगी, क्या वो संतुष्ट? आपके ऊपर देश की जनता ने भरोसा किया है। विपक्ष के भड़काने से लोग भड़क जाते, विपक्ष की कही हुई बात लोग मान लेते तो प्रधानमंत्री मोदी जी होते। इस देश के लोगों ने मोदी जी के ऊपर भरोसा किया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वही नौजवान हैं, ये उस वक्त हिंसा नहीं किए जब इनके माँ बाप हजारों किलोमीटर पैदल चल करके अपने घर गए। ये वही नौजवान हैं, ये तब भी हिंसा नहीं किए जब उनके परिवार को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था और वो तरप तरप करके जान दे रहे थे। ये तब भी हिंसा नहीं किए जब आपने हर साल 2 करोड़ नौकरी नहीं दी। मैं देश की सरकार से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से यह अपील करना चाहता हूँ कि ये कोना कोना कौन कोना सोतली भूतो कोना खेलना बंद कीजिए। आप हकीकत में बताइए कि रियलिटी क्या है। क्या आपने विपक्ष को पूछा, आपने विपक्ष को पूछा कि हम कोई योजना ला रहे हैं? आपने कोई पार्लियामेंट की कमेटी की मीटिंग की? या आपने नौजवानों को पूछा कि हम आपका भलाई करना चाहते हैं किसानों की तरह, और नौजवान कहते हैं हमको ये भलाई नहीं चाहिए? इस मनोदशा को समझिए साहब। हम ऐसे गाँव से आते हैं, ऐसे इलाके से आते हैं, कोई ऐसा साल नहीं गुजरता है साहब कि हमारे इलाके में कोई शहादत ना हुई हो। हमारे इलाके में लोगों के पास महज नौकरी नहीं है सेना, हम जानते हैं इस बात को। जब किसी परिवार में किसी बच्चे को सेना की नौकरी मिलती है, पूरे इलाके में उनका सम्मान होता है। और दुख के साथ साथ जब एक पार्थिव शरीर गांव आता है, आंखों में आंसू होने के बावजूद उस इलाके का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने जो है देश के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। सेना का सवाल देश की सुरक्षा का सवाल है, आप इसको मजाक मत बनाइए। और एक बात हमारे साथी भी कह रहे हैं, आप तमाम मीडिया लोग भी इसको बोल रहे हैं कि उसमें से 25% लोगों को, साहब 25% नहीं, अप टू 25%, ध्यान रखिएगा, ये है सेल्समैन मेगा बम्पर ऑफर की मानसिकता। अप टू 25% क्या होता है, मतलब 25% की भी गारंटी नहीं है। ये मत समझिए आप कि उसमें से एक को दे ही देंगे नौकरी, बहुत चालाकी से टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया है अप टू 25%। और इसमें ये कितना गंभीर है, इस गंभीरता का आप अंदाजा लगाइए कि अभी आए हुए 3 दिन हुए हैं घोषणा किए हुए, 2 मेजर अमेंडमेंट हो चुका है, और जो फायदा गिनाए जा रहे हैं वो फायदा तो पहले से है। सेना में, आर्म फोर्सेस में, पैरामिलिट्री में भर्ती होने की मैक्सिमम आयु 25 वर्ष है। 25 वर्ष से ज़्यादा में तो आप बहाल ही नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अलग अलग रैंक पे आप कितना समय तक सेवा देंगे वो पहले से निर्धारित है। और जो लोग आर्मी की नौकरी समाप्त करके, सेवा समाप्त करके आते हैं,
उनको अन्य जगहों पर सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों को सुविधाएं दी जाती है, भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को सुविधाएं दी जाती है। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं बहुत साधारण साधारण बात करता हूं, मुझे लंबी चौड़ी बात करनी नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। हमको पता है कि आर्मी में कौन लोग जाते हैं। गृहमंत्री का बेटा आर्मी में नहीं जाएगा, वो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। हमको पता है कि वहाँ पे सेवा करने वाले कौन लोग होते हैं, गरीब किसान मजदूर के बच्चे होते हैं। कोई नेता का बाल बच्चा आर्मी में नहीं जाता है, जाता है, प्रधानमंत्री भी जाते हैं फोटो खिंचवाने के लिए। फोटो खिंचवाने के लिए वर्दी पहनना एक बात होता है, देश की भक्ति के लिए, सर्वोच्च सम्मान के लिए वर्दी पहनना दूसरी बात होती है। दीपावली में जा करके मिठाई बांट देंगे, उसके बाद आ करके अग्निपथ योजना ला करके देश की जवानों का दिवाला निकाल देंगे। अग्निपथ योजना इस देश के नौजवानों को अग्नि में झोंकने की योजना है। इस योजना को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। और ये जो लॉलीपॉप वाली भाषा है ना, इस लॉलीपॉप की भाषाओं को बंद करना चाहिए। और जहाँ तक बिहार में हिंसा का सवाल है, सीधा सा एक कारण समझ लीजिए, ये नौजवान ना किसी के द्वारा लाए गए हैं, ना किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। आप तमाम प्रबुद्ध पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं, कोई ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन होता है उसका स्वरूप अलग होता है। हम लोग 3 दिन से नहीं डिटेन हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा ऑफिस छावनी नहीं बना हुआ है, हम लोग आते हैं पुलिस पकड़ करके हमको ले जाती है, कोई हिंसा नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उसमें हिंसा क्यों हुआ है? क्योंकि वहाँ नौजवानों का सब्र जो है पानी सर से ऊपर चला गया है। और एक बात और जान लीजिए, जो हमारा बेरोजगारी दर है देश का, बिहार का बेरोजगारी दर डबल है साहब। जहाँ के मजदूर, बिहार का मजदूर जाता है ना हरियाणा और पंजाब में धान काटने के लिए, बिहार के ही लोग आते हैं ना दिल्ली में काम करने के लिए, बिहार के ही लोग जाते हैं ना महाराष्ट्र में काम करने के लिए। जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है वहाँ के लोग ऑलरेडी विस्थापित होते हैं। ये जो बच्चे हैं ये उस उम्मीद में अपने गांव में रह रहे हैं, दौड़ रहे हैं जारा गर्मी बरसात सड़कों पे मैदानों में रेत पे कि इनको किसी दिन सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। ये मौका इनसे जब छीना जा रहा है तो इनका सब्र टूट गया है। लेकिन मैं इन तमाम नौजवानों से भी एक अपील करना चाहता हूँ, दोस्त हम किसान के बच्चे हैं और हमारे माँ बाप ने इस सरकार को झुकाया है, इस सरकार को बताया है कि ये देश गांधी का देश है और गांधी के देश में सत्य और अहिंसा से ही कोई लड़ाई जीती जा सकती है। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए सरकार से यह अपील करते हैं कि इसको वापस लीजिए, और नौजवानों से अपील करते हैं कि देश की संपत्ति को मत जलाइए, मत जलाइए, क्योंकि कल को आपको वही संपत्ति इसी प्रधानमंत्री से बचाना भी है। क्योंकि देश की संपत्ति ये दोस्त को बेचने वाले हैं, ये हमारे आपके टैक्स के पैसे की संपत्ति है, इसकी रक्षा कीजिए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और किसानों ने 700 लोगों की शहादत देने के बाद 1 साल से ज़्यादा आंदोलन चलाया, शांतिपूर्ण तरीके से चलाया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए, जैसे आज आपके आंदोलन को कहते हैं उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले, हिंसा करने वाले, ये कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कौन है इसके लिए जिम्मेवार? और विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अपनी फेसबुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रियाज भाई कहकर संबोधित करते हैं। ये चल क्या रहा है इस देश में, माजरा क्या है? पुलवामा में सवाल उठे थे कि 350 किलो RDX कैसे पहुंचा, DSP दविंदर सिंह का नाम हम सब जानते हैं, उसको चुपचाप से नौकरी से बाहर कर दिया, नो इंक्वायरी, कि राष्ट्रहित में नहीं है इसके खिलाफ इंक्वायरी करना, आपको याद है? ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवा रहा है ये सब? एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक हमले होते हैं और सवाल ज्यों के त्यों, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। आप सोचिए, अगर ये सिर्फ तस्वीर होती तो चलिए हम सोचते कि किसी सामाजिक कार्यक्रम की तस्वीरें होंगी, होती हैं राजनीतिक दलों की, नेताओं की, लेकिन ये फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। आज सूर्यास्त तक
हम उम्मीद करते हैं कि ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इंतजार है। देश चुप नहीं रहने देगा अब आपको, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन्हीं कारणों से डर कर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? भूलिएगा मत जैनेन्द्र जी, ये वही गुलाबचंद कटारिया हैं जिनका सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर में सीबीआई की चार्जशीट में भी जिक्र आया था। उदयपुर में हुई विभत्स घटना के संदर्भ में कल एक मीडिया ग्रुप ने एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा किया। जब वो खुलासा हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने भी कुछ रिसर्च की। इस खुलासे में उदयपुर में जो कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई थी उसका मुख्य आरोपी रियाज अटारी, उसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, उन संबंधों का यह खुलासा कल टीवी पर हम सबने देखा और फिर सोशल मीडिया पर उस पर काफी चर्चा भी हुई और उसके बाद हमने रिसर्च की और नए तथ्य सामने आए। रियाज अटारी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व गृह मंत्री राज्य के गुलाबचंद कटारिया जी के अनेक कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वो तस्वीरें आप सबके सामने आपको दी जाएंगी। फिर जब हमने रिसर्च की, क्योंकि कार्यक्रम में तो बस इतना ही बताया गया था, तो जब रिसर्च की तो फेसबुक पर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटीज प्रकोष्ठ के नेता इरशाद चैनवाला 30 नवंबर 2018, आज से 4 साल पहले, फेसबुक पोस्ट पर वो और एक और नेता है मोहम्मद ताहिर, जो अब लापता है, जिनका मोबाइल भी बंद है, जब से ये हत्याकांड हुआ तब से वो लापता है। तो इरशाद चैनवाला और मोहम्मद ताहिर के 3 फरवरी 2018, 27 अक्टूबर 2019 और 10 अगस्त 2021, 28 नवंबर 2019 के पोस्ट हम लोगों ने स्टडी किए, उसका अध्ययन किया। अब अटारी जो है, रियाज अटारी, उमरा करके वहां से कुछ पोस्ट डालते हैं, फोटो डालते हैं और उसमें बड़े स्पष्ट तौर पे यह भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं पढ़ के बताता हूं उन्होंने क्या पोस्ट डाला, क्योंकि हमारी यह स्क्रीन अभी नहीं चल पा रही, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में विनीत जी डाल रहे हैं। ये हमारे बीजेपी कार्यकर्ता उदयपुर राजस्थान के रियाज अटारी भाईजान ने हमारे वतन हिंदुस्तान में अमन व अमन के लिए दुआओं कर अल्लाह हमारे हिंद को सलामत रखे आमीन, ये पोस्ट डाली है मोहम्मद ताहिर, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं रियाज अटारी के लिए कि ये हमारे भाजपा, उदयपुर भाजपा के कार्यकर्ता रियाज अटारी उमरा करने गए और देश में अमन व अमन की दुआ मांगी। इससे ज्यादा स्पष्ट क्या हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रियाज अटारी गुलाबचंद कटारिया, पूर्व राज्य गृह मंत्री के कार्यक्रमों में लगातार शामिल होता है, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता अपनी फेसबुक पोस्ट में रियाज भाई, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रियाज भाई कहकर संबोधित करते हैं, ये चल क्या रहा है इस देश में, माजरा क्या है? पुलवामा में सवाल उठे थे कि 350 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, डीएसपी दविंदर सिंह का नाम हम सब जानते हैं, उसको चुपचाप से नौकरी से बाहर कर दिया, नो इंक्वायरी, कि राष्ट्रहित में नहीं है इसके खिलाफ इंक्वायरी करना, आपको याद है? ये क्या हो रहा है इस देश में, कौन करवा रहा है ये सब? एक के बाद एक दुर्घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक हमले होते हैं और सवाल ज्यों के त्यों, कोई जवाब नहीं, कोई उत्तर नहीं, प्रधानमंत्री चुप, गृह मंत्री चुप। इन तस्वीरों के बाद और ये बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हम सबके सामने आए हैं,
आप सोचिए, अगर ये सिर्फ तस्वीर होती तो चलिए हम सोचते कि किसी सामाजिक कार्यक्रम की तस्वीरें होंगी, होती हैं राजनीतिक दलों की, नेताओं की, लेकिन ये फेसबुक पोस्ट स्पष्ट करती है कि रियाज अटारी कन्हैया लाल का हत्यारा, आतंकी रियाज अटारी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य है। आज सूर्यास्त तक हम उम्मीद करते हैं कि ये तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी इस बात का जवाब देगी, इस देश को जवाब की इंतजार है। कल सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ बहुत गंभीर टिप्पणियां की थी। आज इन तथ्यों के उजागर होने के पश्चात उन टिप्पणियों को फिर से देखना चाहिए, और वो टिप्पणियां सिर्फ एक नुपुर शर्मा के खिलाफ नहीं थी। हु इज नुपुर शर्मा? नुपुर शर्मा का की सामाजिक पहचान भारतीय जनता पार्टी से बनी है। जब नुपुर शर्मा ने वो अल्फाज कहे पैगंबर साहब के खिलाफ, तब वो भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। उसके 10 दिन बाद तक नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता थी। तो इसलिए अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय अगर नुपुर शर्मा के लिए कुछ कहता है तो वो टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता और उसके प्रवक्ता पूरे देश में धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? यह सवाल हमारा पहला। हमारा दूसरा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अब भी भारतीय जनता पार्टी नेताओं द्वारा धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिशों पर चुप रहेंगे? 8 साल में कब बोलते हैं ये लोग? पूरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया भर की बातें करवा लो मोदी जी से, करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, बोलते रहेंगे, विपक्ष को कोसेंगे विदेशों में जाकर, और जो इनकी अपनी पार्टी के लोग, माफ कीजिएगा, आतंकी घटनाओं में शामिल हैं, इस पर चुप रहेंगे? देश चुप नहीं रहने देगा अब आपको, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो देश बोलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ताओं एवं नेताओं के जरिए पूरे देश में आग लगाकर ध्रुवीकरण करके एक चुनावी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? अब तक हम ये सोचते थे कि साहब इनको चुनाव जीतने के लिए हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन ये हथकंडे नहीं है, ये आतंकी घटना है, देश को तोड़ रहे हैं, आपस में हमें लड़वा रहे हैं, और इतने बड़े षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय सदस्य सरेआम आरोपी है, सरेआम शामिल है। आपने सबने देखा जो ही उदयपुर में यह हत्याकांड हुआ, केंद्र ने एनआईए को यह जांच सौंपने की बात की, हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत इसका स्वागत किया, हम सबने इसको स्वीकार किया, लेकिन अब ये नए तथ्यों के उजागर होने के पश्चात सवाल उठता है, और बड़ा गंभीर सवाल उठता है, ये हमारा आखिरी सवाल है, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने इन्हीं कारणों से डरकर जल्दबाजी में एनआईए को यह केस सौंपने का निर्णय लिया? कारण क्या था? यह सवाल, एक एक सवाल बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें देश की सुरक्षा, देश का एक रहना, अखंडता का सवाल आता है। और मैंने आपको पुलवामा का उदाहरण जानबूझकर दिया, आज तक जवाब नहीं मिला है। डीएसपी देवेंद्र सिंह का आज तक, माफ कीजिएगा, मीडिया ने इतना पूछने की भी हिम्मत नहीं की कि देवेंद्र सिंह के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्यों चुपचाप उसको नौकरी से बाहर कर दिया, और क्यों उसके ऑर्डर में है कि देश हित में यह आवश्यक है कि इनको